दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको निशियाम की वाइंडिंग मशीन के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि हैंड वाइंडिंग है। दोस्तों, इसके साथ में क्या क्या सामान आता है, कैसे यूज किया जाता है, कैसी मशीन है, उसके बारे में दोस्तों आज आपको फुल रिव्यू करके दिखाऊँगा। दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये हैंड वाइंडिंग है। दोस्तों, ये इसका मीटर लगा हुआ है। दोस्तों, इसके साथ में 12 डाई आती है। ये एक नंबर डाई है, ये 4 नंबर डाई है, ये 16 कोयल के स्टेटर को भरती है। दोस्तों, जो आगे से लंबी चोंच की होती है, दोस्तों ये स्टार्टिंग की है, जो छोटी चोंच की होती है ये रनिंग की है। इसी तरह दोस्तों, ये 2 नंबर डाई है, ये 5 नंबर डाई है, ये 14 mm के स्टेटर को भरती है। 2 नंबर डाई की आगे की चोंच लंबी होती है, ये स्टार्टिंग है, और 5 नंबर की डाई की चोंच छोटी होती है, ये रनिंग की है। इसी तरह दोस्तों, ये 3 नंबर डाई और ये 6 नंबर डाई, दोस्तों ये 12 स्लॉट के स्टेटर को भरती है। जो 3 नंबर डाई है उसकी चोंच लंबी होती है। आगे से ये देखो दोस्तों, ये स्टार्टिंग की है और ये चोंच छोटी होती है, ये रनिंग की है। दोस्तों, इससे आप कंप्लीट 12, 14, 16 mm के स्टेटर को 12, 14, 16 के कोयल स्टेटर को भर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ में एक एलन की एक चाबी आती है। चाबी का तो दोस्तों बहुत कम यूज होता है, शुरू में सेटअप करने के लिए यूज होती है। बाकी जब आप स्टेटर फंसाते हो तो जो ये पत्ती होती है, इसको स्टेटर के साइज के अनुसार खोल के चौड़ा भीड़ा किया जाता है इस एलंकी के द्वारा। बाकी इसमें किसी चाबी पाने का यूज नहीं होता दोस्तों। इसके साथ में एक ये आती है प्लेट, ऊपर जो रखी हुई है एलमुनियम की, ये वायर के बंडल के ऊपर रखा जाता है, जिससे वायर टूटे ना। दोस्तों, वायर का बंडल नीचे रख के, प्लेट रख के, यहाँ एक कुप्पी लगती है, इसके साथ में आती है, फिर वायर यहाँ से निकाल के इसके अंदर डाल के, यहाँ से निकाल के कोई से में मणिये से निकाल सकते हो आप। इसमें 2 लगे होते हैं, ये उसके द्वारा आप फिर स्टेटर भर सकते हो। दोस्तों, ये वाइंडिंग मशीन बहुत ही अच्छी है, इसे कोई भी नया बंदा यूज कर सकता है, आसानी से स्टेटर भर सकता है इसके द्वारा। इसमें सबसे अच्छा सेटअप डाई का होता है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये जीरो करना होता है तो इसको दाब दिया जाए, ये ऐसे चलती है दोस्तों, इस तरह से यूज होती है। जब आप एक कोयल भर लोगे तो ये उल्टी साइड घुमानी पड़ती है, इस तरह से चलती है। सबसे अच्छा दोस्तों इसके अंदर डाई का सिस्टम है, आप बिना चाबी के, बिना किसी पाने के डाई को ओनली 5 सेकंड में लगा सकते हो। दोस्तों, इस डाई के अंदर एक बारीक छेद दिया होता है, जो कि यहाँ पे ये जो पत्ती लगी हुई है इसमें ऑटोमेटिक लग जाती है, जिसको आप आसानी से एक हाथ से ही डाल सकते हो। ये ऐसे किया दोस्तों, ये डाई ऐसे सेट हो गया, इस नट को हल्का सा हाथ से कस दो, ये कंप्लीट। दोस्तों देखो, डाई लग गई, एक ही हाथ से आप डाई लगा सकते हो। जब आपको ये खोलना हो तो वापस इस नट को हल्का सा लूज करें, वापसी इस डाई को ऐसे पकड़ के निकाल ले। दोस्तों, ये डाई प्योर स्टील से बनी होती है, इसमें आप एल्युमिनियम से, कॉपर से, दोनों वायर से वाइंडिंग कर सकते हो दोस्तों, बिना वायर के टूटे कटने के खतरे से। इसमें ये दोस्तों 2 नट दिए होते हैं, जिसको आप स्टेटर लगाने के बाद ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो गैप अनुसार।
इसमें चाबी का कोई सिस्टम नहीं है दोस्तों, ये स्टेटर लगाने के लिए होता है। आपको अगर ये लॉक करना हो तो ये नट दिया हुआ है, जहाँ पे आप लॉक कर दोगे वहीं पे ये रुक जाता है। ये देखो, अगर इसको खोल दोगे आप तो ये वापसी चला जाएगा। ये इसका स्टैंड है दोस्तों। ये निशाम की वाइंडिंग मशीन है।